हेलो स्टूडेंट्स हैव आर यू टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अ टॉपिक हाउ कैन वी ऑप्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल तो कॉपर सल्फेट आपने देखा होगा ठीक है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का एक क्रिस्टल होता है ठीक है कॉपर सी यू एस ओ फोर जिसका फॉर्मूला क्या होता है कॉपर सल्फेट का सी ठीक है और ये किस कलर का होता है कि ब्लू कलर का होता है ठीक है तो इस कि जो ये सॉल्ट है एक तरीके से ये सॉल्ट है ठीक है कॉपर सल्फेट इज़ अ सॉल्ट जैसे एन है एक सॉल्ट होता है ठीक है वैसे ही कॉपर सी कॉपर सल्फ़ेट भी एक सॉल्ट है तो अगर कॉपर सल्फ़ेट uh, का एक सॉल्ट है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं इम्प्योरिटीज़ इन द सेंस कि दूसरे सॉल्ट्स भी मिक्स मिक्सड हैं या उसमें कोई और इम्प्योरिटी है तो हमको प्योर कॉपर सल्फेट का जो है सॉल्ट uh, चाहिए वो हम कैसे ऑप्टेन करेंगे उसके इम्प्योर सैम्पल से ठीक है तो इसकी क्या प्रोसीजर है हम इसको देखेंगे कि कौन सी टेक्निक हम यूज़ करेंगे ठीक है तो आपको क्या करना है एक एक्टिविटी समझाई गई है इसी के लिए एक्टिविटी 2.9 ठीक है तो आपको क्या करना है कि टेक सम अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम पाँच ग्राम के लगभग एक आप कॉपर सल्फेट जिसको कि कह रहे हो कि ये इनप्योर है ठीक है वो वाला सैंपल ले लेना ले है आपको कॉपर सल्फेट का ठीक है कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश चाइना डिश मतलब एक कटोरी में ठीक है चाइना डिश आ, से बनी रहती है उसको आप हाँ ले, ले लेंगे ठीक है और उसको क्या करेंगे कि उसको कम से कम पानी में घोल लेंगे एक उसका लिक्विड सा सल्यूशन बना लेंगे ठीक है फिर क्या करेंगे कि फ़िल्टर द इम्प्योरिटीज़ आउट अगर उसमें जैसे कुछ धूल मिट्टी डस्ट ये सब है रेत वगैरह है तो वो तो नहीं डिज़ो होगी ना कॉपर सल्फेट डिजोल्व हो जाएगा पानी में पूरी तरीके से लेकिन जो धूल मिट्टी है या कुछ रेत है इस तरह की इम्प्योरिटीज़ वो फ़िल्टर करके आप निकाल सकते हो फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लो निकल जाएगी ठीक है अब क्या करना है कि इवेपोरेट वाटर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सो डैट एज टू गेट अ सेचूरेटेड सोल्यूशन फिर इस सोल्यूशन को थोड़ा सा इवेपोरेट करना है ताकि बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा एक सोल्यूशन बन जाए मतलब बिल्कुल सेमी सॉलिड टाइप का बिल्कुल मतलब थिक सोल्यूशन बन जाए लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा लेकिन थोड़ा थिक हो जाए जैसे कि आपने देखा होगा सुगर सिरप होता है ना चीनी की चाशनी जिसको कहते हैं वो उस तरीके से आपको इसका मतलब आपको बना लेना है थोड़ा सा इवापरेट करके ठीक है पानी थोड़ा सा उसको सुखाना है और फिर क्या करना है कवर द सोल्यूशन विद द फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे तो एक दिन के लिए इसको आपको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है ठंडा होने के लिए ठीक है तो अब आप जब स्कूल खुलेगा लैब जाओगे तो ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है आपको कराया जाए ठीक है बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है फिर उसको फिल्टर पेपर से ढक के उस कटोरी को आप रख दीजिए एक दिन बाद जाइए देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में बन गया है ठीक है क्रिस्टलाइज हो गया है ठीक है अलग अलग शेप में ऐसे स्टार शेप जो है आप देखोगे कि उसमें बहुत सारे डायमंड शेप जो है वो बने हैं क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के ठीक है तो यू विल ऑप्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस ठीक है तो एक तरीके से क्रिस्टलाइजेशन एक मेथड है जिसकी की मदद से हम प्योर कॉपर सल्फेट हमने ऑप्टेन किया ठीक है तो बहुत सारे बच्चों ने आपने शायद मिश्री मिस्री खाई होगी मिस्री चीनी की ही बनी रहती है हाँ तो वो एक तरीके से हम कहते हैं कि प्योर फॉर्म है शुगर का तो मिस्री अगर आपको बनानी है तो वो भी आप ऐसे ही बना सकते हो ठीक है कैसे कि कुछ जो आप जैसे आप देख रहे हो कॉपर सल्फेट ऐसे ही शुगर भी क्रिस्टल्स बनाता है एन भी क्रिस्टल्स बनाता है तो ये क्रिस्टलाइजेशन की प्रॉपर्टी जिन कंपाउंड्स में होती है उनको हम आ, इस क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से उनका प्योर फॉर्म या उनका कोई एक पर्टिकुलर शेप के फॉर्म में भी हम उनको ऑप्टेन कर सकते हैं ठीक है थीके? आपने आ, चीनी के कुछ हाथी घोड़े इस तरीके कुछ कुछ फेस्टिवल्स में मिलते हैं वो भी ये क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से ही बने रहते हैं ठीक है जब दिवाली आती है तो आप चीनी के हाथी घोड़े सब खाते हो ना वो भी क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से ही बना रहता है ठीक है सो नाउ आंसर अब आपने ये एक्टिविटी की अब आप बताइए आपने क्या सीखा है कि वॉट डू यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश डू द क्रिस्टल्स लुक अलाइक आपने चाइना डिश में क्या देखा आपने देखा होगा कि कॉपर के क्रिस्टल्स बन गए तो आप क्या देखोगे कि? कि सारे क्रिस्टल्स एक जैसे हैं हाँ मैंने जैसा कहा कि सारे क्रिस्टल्स लगभग डायमंड शेप के आते हुए से दिखेंगे कुछ क्रिस्टल्स बड़े होंगे कुछ थोड़े छोटे होंगे लेकिन ऑलमोस्ट सबका शेप जो है डायमंड कट टाइप का होगा ठीक है सो हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल्स फ्रॉम द लिक्विड इन द चाइना डिश तो आप जो है क्रिस्टल्स को कैसे सेपरेट करोगे लिक्विड में कुछ तो लिक्विड बचा रहेगा ना उसमें तो वो क्या होगा कि क्रिस्टल्स अपने आप ही आपस में चिपक चिपक के शेप ले लेंगे तो आप पानी अपने आप ही उसमें से सेपरेट हो जाएगा बस आप क्रिस्टल्स को ऊपर से उठा लोगे ठीक है बिना ज़्यादा हिलाए क्रिस्टल्स को उठा लोगे तो वो पानी नीचे रह जाएगा ठीक है और वो पानी बिल्कुल साफ होगा क्योंकि सारे क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट का तो क्रिस्टल बन गया है ठीक है सो तो क्रिस्टलाइजेशन मैथड इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स तो ये मैथड जिसको कि हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं ये किस लिए यूज़ होता है सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए जो सॉलिड्स क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस शो करते हैं उनको हम इस मैथड से प्योर फॉर्म में ला सकते हैं ठीक है फॉर एक्जाम्पल सॉल्ट वी ईट फ्रॉम सी कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज़ तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है ये और कहाँ यूज़ होती है जैसे हम नमक खाते हैं ना तो ये नमक कहाँ से आता है ये समंदर से आता है है ना समंदर के पानी को लोग वैक्यूम इवेपोरेट करते हैं या सन ड्राई करते हैं ठीक है तो उसी प्रोसेस में ये जो क्रिस्टल्स हैं एन के वो बनते हैं और उन्हीं क्रिस्टल्स को फिर हम फर्दर बाकी प्योर करके ठीक है उसको हम प्रोसेस करके उसमें आयोडीन मिला करके हम कंपनी के थ्रू हमारे पास वो आता है ठीक है लेकिन होल सोल जो प्रोसेस होती है यूज वो क्रिस्टलाइजेशन की ही होती है टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज तो नमक भी हमें क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से मिलता है सो क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस डेट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सोल्यूशन तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है वो प्रोसेस जो कि एक सॉलिड के उसके प्योर फॉर्म में लेके आती है उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं और क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है वो सिंपल इवेपोरेशन से बेहतर है क्यों इसके लिए दो पॉइंट्स दिए गए हैं जैसे कि सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट चार्ज ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस मान लीजिए हम जो है आ, शुगर को जो है हम चाहते हैं कि प्योर फॉर्म में लाएं तो अगर हम इसको ड्राई करें हीट करेंगे मतलब गैस पे हीट करेंगे तो चीनी जल जाएगी और चीनी काली पड़ जाएगी जिसको कहते हैं चार चार मतलब वो काली पड़ जाती है चीनी को कभी आप तवे पे हीट करिए तो कैसा हो जाता है काला हो जाता है ना तो अगर हम हीट करेंगे ज़्यादा तो वो अपना जो मेन उसका जो फिज़िकल स्टेट है वो खो देगी ठीक है जल जाएगी इस वजह से हम जो है क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस यूज़ करते हैं चीनी वगैरह को भी बनाने में क्रिस्टल्स होते हैं ना चीनी के इसलिए ठीक है और सम इम्प्योरिटीज़ में रिमेन डिजॉल्व इन द सोल्यूशन तो और इसके अलावा एक और रीज़न है कि क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म का मिलता है ठीक है और अगर हम इवेपोरेट करेंगे तो जो इम्प्योरिटी है वो तो वही बनी रह जाएगी ना सॉल्यूशन के साथ पानी तो उड़ जाएगा लेकिन जो इम्प्योरिटी है वो वही रह जाएगी लेकिन क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी सॉल्ट है या जो भी चीज़ हम क्रिस्टल्स के फॉर्म में लेना चाहते हैं उसको पहले हम वाटर में घोलते हैं तो इम्प्योरिटीज़ जो सॉलिड फॉर्म में होगी वो तो हम फिल्टर कर लेंगे और बाकी जो डिजॉल्व होगी इम्प्योरिटी उसके अंदर वो भी सेपरेट हो जाएगी क्यों क्योंकि जो लाइक सब्सटेंसेज हैं वही क्रिस्टल बना सकते हैं दूसरी इंप्योरिटीज क्रिस्टल्स नहीं बना सकती हैं तो इसलिए क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस ज़्यादा बेटर है इवेपोरेशन से ठीक है इवेपोरेशन में क्या होगा पानी उड़ हो जाएगा बाकी चीज रह जाएगी लेकिन उससे इम्प्योरिटी नहीं प्योरीफाई हो पाएगी फाइन सो so, ऑन इवेपोरेशन दिस कंटामिनेट द सॉलिड ठीक है सो अब इसकी एप्लीकेशन क्या है इस प्रोसेस के जो हमने अभी डिस्कस किया कि क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है तो इसका एप्लीकेशन है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट डैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर तो वो जो सॉल्ट हम खाते हैं ना नमक उसकी प्योरिफिकेशन के लिए ही क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस यूज़ होती है ठीक है और सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल्स तो फिटकरी जो होती है वो भी क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस शो करता है और उसके इमप्योर सैंपल से हम इसको प्योर फॉर्म में ला सकते हैं फिटकरी को फिटकरी का काफ़ी यूज है वाटर प्योरिफिकेशन में भी ठीक है सो दस बाय चूजिंग वन ऑफ द अबव मेथड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर वी गेट अ प्योर सब्सटेंस विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मेनी मोर मैथड्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स है जैसे जैसे मतलब जो सेपरेशन जो भी प्योर फॉर्म या किसी एक मिक्सचर से दो कंपोनेंट्स में से एक को अलग प्योर फॉर्म में ऑप्टेन करने के लिए हमें बेसिकली हमें क्या जानना होता है कि अगर हम उन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज जानते रहेंगे तो हम बहुत इजीली जो है उनको सेपरेट कर सकते हैं और बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं जिसकी मदद मतलब से हम बहुत ही प्योर फॉर्म में चीज़ों को ऑप्टेन कर सकते हैं ठीक है सो इन सिटीज़ ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स, ठीक है तो जैसे कि जो सिटी है उसमें क्या होता है कि सब घरों में पानी की सप्लाई होती है उसका एक नेटवर्क बिछा हुआ नेटवर्क बना हुआ है ठीक है तो वो पानी की सप्लाई कहाँ से होती है जल्ले नियर बाय में जो रिवर कोई फ्लो कर रही होती है वहाँ से वो लोग वाटर लेते हैं या किसी नहर से पानी लेते हैं ठीक है तो उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उस वाटर को घरों में पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई किया जाता है ठीक है लेकिन सप्लाई करने से पहले मैंने कहा प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है तो इस प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या इन्वॉल्व रहता है ठीक है हम देखते हैं उसको एक फ्लो डायग्राम की मदद से ठीक है फ्रॉम दिस फिगर राइट डाउन द प्रोसेस इन्वॉल्व टू गेट द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू योर होम फ्रॉम द वॉटर वर्स एंड इन यूर क्लास का पानी है, वो या फिर वो एक टैंक में आया टैंक में आने से क्या होगा कि जो भी बालू मिट्टी जो भी है इस टैंक में वो मिट्टी यहाँ पे सेट हो जाएगी नीचे क्योंकि पानी यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे एक दिन के लिए तो वो सॉलिड्स जो भी पार्टिकल उस पानी में डिजोल्व होंगे वो नीचे सेट हो जाएंगे ठीक है फिर ये जो छना हुआ पानी है ये आगे बढ़ेगा यहाँ पे क्या होगा कि टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ तो यहाँ पे ये लोडिंग टैंक बनाई गई है कि यहाँ पे जो पानी यहाँ से साफ हो गया है वो इस टैंक में साफ़ पानी आ करके रुकेगा ठीक है उसके बाद ये साफ़ पानी जिसमें कि कोई सॉलिड मैटर नहीं आ, मतलब सस्पेंडेड है वो पानी आगे बढ़ेगा एक टैंक में जिसको कि हम कह रहे हैं फिल्ट्रेशन टैंक ठीक है इस टैंक में इस टैंक की जो बनावट है उसमें आप क्या देखोगे कि नीचे जो है कोरस ग्रेवल मतलब बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे सबसे नीचे बड़े बड़े पत्थर है उसके ऊपर उससे छोटे छोटे पत्थर यहां पे देख सकते हो आप यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर और सबसे ऊपर जो है फाइन सैंड पार्टिकल्स तो तीनों का आप पोजीशन याद रखिए कई बार आपको एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए भी आएगा कि सबसे नीचे बड़े बड़े पत्थर फिर उसके ऊपर छोटे पत्थर और सबसे ऊपर सैंड और उसके ऊपर हमारा वाटर जाएगा तो ये जो प्रोसेस है इससे पानी में और भी बहुत सारी इंप्योरिटीज जो कि अभी बच गई हैं ठीक है सेडिमेंट सेट नहीं हुए नीचे वो इसके थ्रू एक तरीके से फिल्टर हो जाएंगी ठीक है और फिर जो फिल्टर हुआ पानी है वो यहां पे एक टैंक में कलेक्ट होगा ठीक है और इस टैंक में क्लोरीनेशन की प्रोसेस होगी ठीक है क्लोरीनेशन क्लोरीन गैस क्या करता है क्लोरीन गैस के, जो है क्लोरी, क्लोरीन की टैबलेट डालेंगे अगर हम आप तो वो क्या करेगा कि एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है वो बनाएगा ठीक है ऑक्सीजन स्पीशीज का नेगेटिव आयन जो कि एक फ्री रेडिकल है और वो बैक्टीरिया जो भी अगर वाटर में प्रेजेंट है उनको किल कर देगा ठीक है उनको मार देगा ठीक है तो इससे पानी जो है वो प्योर हो जाएगा बट ये क्लोरिनेशन की प्रोसेस में भी टाइम लगता है आपका अमाउंट ऑफ वाटर और इसे को कर करना होगा कि हमने कितना क्लोरीन डाला ठीक है और उसके बाद इसको एक घंटा दो घंटा या एक दिन के लिए डिपेंडिंग अमाउंट द अमाउंट ऑफ वाटर आपने कितना क्लोरीनेशन किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिर क्लोरीनेशन करने के बाद वो पानी जो है घरों में सप्लाई कर दिया जाता है तो ये एक पूरी प्रोसेस है हम घर में जो पानी पीते हैं वो कैसे आता है कैसे पहुँचता है हमारे तक उसकी ये प्रोसेस है ठीक है सो so, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी ठीक है इसी टॉपिक से रिलेटेड जैसे कि जैसे कि हाउ विल यू सेपरेट अ हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री विच आर मिसिसिबल विद ईच अदर तो कैरोसिन एंड पेट्रोल मिसिसिबल है एक दूसरे के अंदर घुले हुए हैं तो आप कैसे उनको सेपरेट करोगे लेकिन इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री से ज्यादा है ठीक है तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अगर 25 डिग्री से ज़्यादा होता है तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं हम डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए अगर 25 डिग्री से कम उनके में आ, है टेम्परेचर डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज करते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या होगा डिस्टिलेशन ठीक है सो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड बटर और कर्ड uh, को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज, यूज करते हो आप सेंट्रीफ्यूगेशन की ठीक है और सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर ये हमने अभी पढ़ा सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इवेपोरेशन के थ्रू भी करते हो ठीक है और आप इसको क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन में तो और प्योर करने के लिए करते हो ठीक uh, है थर्ड है कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट तो कैम्फर और सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए आप कौन सी प्रोसेस यूज करते हो सप्लीमेशन क्योंकि कैम्फर जो है वो डायरेक्ट uh, जो है वो सॉलिड uh, से गैसेस फॉर्म में आ जाता है लिक्विड फॉर्म में नहीं बदलता है तो सब्लिमेशन की प्रोसेस को हम यूज करते हैं ठीक है और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स और सेपरेटेड बाय टेक्निक ऑफ़ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक से किस तरह के मिक्सचर्स uh, को हम सेपरेट कर सकते हैं वो मिक्सचर्स जो कि क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं उन मिक्सचर्स को हम क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं ठीक है सो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक And still, if you have any doubts, then you can write in the comment section. I will surely reply. Thank you.